खरगोन जिले में मेनगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एल्यूमिनियम विद्युत तार चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 लोगों को धर दबोचा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2 माह से पूर्व जमला सिंचाई फीडर नहर के पास 11 केवी लाइन के लगभग 1.5 लाख कीमत के विद्युत तार चोरी किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसी के चलते जिला पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने व SDOP खरगोन के निर्देशन में थाना प्रभारी मेनगांव को दिशा निर्देश जारी कर टीम का गठन किया। मुखबिर की सूचना के चलते गुरुवार की रात्रि में पुनः उसी स्थान पर विद्युत तार की चोरी आए चोरों को पुलिस टीम ने धर दबोचा। इस दौरान मौके से आरोपियों से टाटा 407 वाहन सहित 70,000 रुपए कीमत के एल्यूमिनियम विद्युत तार जब्त किए गए और 11 लोगों को रंगे हाथों पकड़कर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए आरोपी इंदौर और उज्जैन जिले के बताए जा रहे हैं। जो शेष माल है उसकी बरामदगी के प्रयास करेंगे और अन्य थानों को सूचना दी है, वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। कितना माल जब्त हुआ है सर? इनसे 2 क्विंटल के आसपास माल जब्त हुआ है, शेष माल की जब्ती शेष है। क्या नाम है? उसको भी पकड़ेंगे, पूछताछ में रिमांड लेंगे। सर यही बेचते थे या वो बाहर ले जाके बेचते थे? नहीं, अब वो मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में।